Hello students, welcome to computer class for class 5. In earlier video, you have studied about chapter 1, evolution of computer. In this video, we will discuss about chapter 2, central processing unit. Students, central processing unit, computer ka ek mahatvapurna bhag hai. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। कंप्यूटर को हम लोग एक ऐसे मशीन के रूप में डिफाइन करते हैं जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है और फिर उसके अनुसार रिजल्ट शो करता है। तो ये रिजल्ट शो करने की जो काम है वो विदाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इम्पॉसिबल है। सो वी कैन कॉल इट फंक्शनल यूनिट ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट मीन्स सीपीयू को कंप्यूटर का फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ये कंप्यूटर का फंक्शनल यूनिट है। तो आइए जानते हैं इसे के बारे में और विशेष। कंप्यूटर जो है वो पांच स्वतंत्र कार्यकारी भागों से मिलकर के बना हुआ है। वो भाग कौन कौन से हैं? इनपुट, मेमोरी, एरिथमेटिक, लॉजिक यूनिट, आउटपुट एंड कंट्रोल यूनिट। इनपुट जो डाटा हम लोग कंप्यूटर में फीड करते हैं इनपुट, और मेमोरी जिसमें वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जिसमें वो प्रोसेसिंग का काम करता है, और फिर आउटपुट और कंट्रोल यूनिट है। आउटपुट रिजल्ट देता है और कंट्रोल यूनिट इन सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये पाँच जो हुए वो मेन फंक्शनली इंडिपेंडेंट पार्ट्स हुए कंप्यूटर के। Now let's know one by one. Input unit. What is input? Do you know? Tell me. Yes. Computer में डाटा डालने, जो हम डाटा डालते हैं, है ना, कंप्यूटर में जो डाटा फीड किया जाता है, इंस्ट्रक्शन फीड किया जाता है ना, तो उसी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को इनपुट कहा जाता है जो कंप्यूटर में हम लोग फीड करते हैं। डाटा इज फेड टू अ कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइस, और वे कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसके द्वारा डाटा इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में? यस, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ETC, इन सभी के माध्यम से हम लोग डाटा फीड करते हैं कंप्यूटर में। डाटा डालने के बाद इस इनपुट का प्रोसेसिंग होता है, जो कि एक सिस्टमैटिक मैनर में एक सिलसिलेवार क्रमिक तरीके से होता है। उसके लिए मेमोरी यूनिट महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मेमोरी यूनिट प्रोग्राम्स और डाटा को स्टोर करके रखता है कंप्यूटर में। इसके कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन हैं। मेमोरी यूनिट के दो महत्वपूर्ण फंक्शन काम हैं, क्या हैं? तो डाटा को स्टोर करना, जिसको प्रोसेस किया जाना है, है ना, डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो भी है, जो भी प्रोसेसिंग किया जाना है जिसको, उसको स्टोर करके रखता है। और फाइनल रिजल्ट जो है, ठीक है, रिजल्ट को भी ये स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट फॉर्म ALU, ये क्या है? तो एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंप्यूटर
सिस्टम में वह प्लेस है, वह जगह है जहाँ पे वास्तविक काम जो है वो एक्सक्यूशन होता है, इंस्ट्रक्शन का, डाटा का, यानी डाटा को प्रोसेस करने का काम यहीं से स्टार्ट होता है। ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड एंड ऑल कंपेरिजन्स आर मेड इन ALU। सारे कैलकुलेशंस से संबंधित जितने भी काम होते हैं और कैलकुलेशन कंपेरिजन से जितने भी काम होते हैं वो ALU में ही स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। ALU जो प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होता है यानी रिजल्ट जो तैयार होता है उसको आउटपुट डिवाइसेस द्वारा डिस्प्ले किया जाना आउटपुट यूनिट का काम है। आउटपुट यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण डिवाइसेस हैं जो कि मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एट्सेट्रा। आउटपुट यूनिट के द्वारा जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के फंक्शन जो है वो आउटपुट यूनिट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, और वो क्या हैं? रिजल्ट जो कि कंप्यूटर के द्वारा ALU के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो एक मशीनी लैंग्वेज में कोड किया हुआ रहता है उसको एक्सेप्ट करना। आउटपुट यूनिट जो है वो मशीनी लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको एक्सेप्ट करता है। इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, और फिर इस कोडेड रिजल्ट को ह्यूमन एक्सेप्टेबल के लिए यानी मनुष्य इसको पढ़ सके इसमें ट्रांसलेट करता है, चेंज करता है उस रूप में। और तीसरा काम है कि मॉनिटर पे इस रिजल्ट को, ट्रांसलेटेड रिजल्ट को शो करना। ये महत्वपूर्ण काम है आउटपुट यूनिट्स के। नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल मीन्स व्हाट? नियंत्रण करना सभी भागों का। तो कंप्यूटर में जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कंप्यूटर में सारे भागों के कोऑर्डिनेशन के बिना संभव नहीं है। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में, तब जा कर के कहीं हमको सटीक रिजल्ट प्राप्त होता है। सेम एज आवर बॉडी, हमारे शरीर में जो जितने सारे अंग हैं सभी कोऑर्डिनेट कर करके हमें स्वस्थ रखते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी सारे पार्ट्स, सारे यूनिट्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। जितने भी सारे टास्क परफॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स के द्वारा वो सभी आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं और कंप्यूटर सिस्टम में नियंत्रित किए जाते हैं। द फंक्शन ऑफ arithmetic and logic processing as well as controlling and coordinating is jointly performed by the central processing unit। तो control करने की जो प्रक्रिया है वो भी CPU के द्वारा की जाती है। नीचे एक डायग्राम दिया गया है जिसकी सहायता से आप इसके CPU के कार्यों को आसानी से समझ सकते हैं। central processing unit, इसके तीन भाग, तीन यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी और स्टोरेज। CPU का ये थ्री मेन पार्ट्स। अब बाहर से हम लोग इनपुट डिवाइसेस, इंफॉर्मेशन डालते हैं इनपुट डिवाइसेस के जरिए, ठीक है। इसमें CPU बीच में फिर इसको परफॉर्म करता है, कंट्रोल यूनिट को भेजता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजता है, मेमोरी यूनिट को भेजता है, उसके बाद फिर ये आउटपुट हमें आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए प्राप्त होते हैं। तो ये थे कंप्यूटर
सीपीयू के बारे में जानकारियाँ, अब इससे संबंधित कुछ और विशेष जानकारियाँ हैं जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। गुड बाय।